सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, मेरे पापा। सबसे प्यारा हूँ मैं? हाँ। मम्मा से भी प्यारा हूँ? झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आप। नहीं। सच बोलो। मुझे बड़े आप झूठ बोल रहे हो, अगर सच बोलोगे तो मैं आपको जेली लेके दूंगा। सबसे प्यारा कौन है, चलो जल्दी बताओ। सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा। अच्छा, मेरे पापा। अच्छा चलो, अगर भगवान आपको बोले कि जी पापा चेंज कर लो और मेरी जगह आपको कोई दूसरे पापा दे दें, तो आप ले लोगे? नहीं। क्यों नहीं लोगे? है, अच्छा चलो, सपोज उन पापा के पास बहुत सारे टॉयज हो, है, और उनके पापा के पास बहुत सारी जेली हो, बहुत सारी चॉकलेट हो, फिर भी आप, फिर तो आप ले ही लोगे मुझे लगता है। वो बोले पापा, जल्दी बताओ। अच्छा फिर भी नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे फिर? तो जब उनके पास तो बहुत सारी टॉयज भी होंगे, बहुत सारी जेली भी होगी, तब भी वही वाले पापा नहीं लोगे? तब भी यही पापा चाहिए? हाँ, ये वाले पापा चाहिए। अच्छा चलो, इन पापा के पास चॉकलेट भी नहीं है, इन पापा के पास वो भी नहीं है, जैली भी नहीं है, और कोई दूसरे पापा के पास बहुत सारी चॉकलेट है, वो बोले सिद्धि मेरी बेटी बन जाओ, तो आप बन जाओगे? क्यों नहीं? मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको यही पापा चाहिए? चाहे इन पापा के पास चॉकलेट भी ना हो, चाहे इन पापा के पास जैली ना हो, तब भी यही वाले पापा चाहिए है? फिर अगर मैं, तो तब क्या नहीं, तब मैं भी नहीं क्या? तब मैं जब उनके पास चॉकलेट नहीं तो मैं भी नहीं, तो उनके पास चॉकलेट है बहुत सारी तो मैं भी नहीं। तब उनकी बेटी हो अगर आप, उनके पास बहुत सारी चॉकलेट है तो? नहीं। अच्छा तब भी नहीं हो और तब भी नहीं हो, यानी हमेशा पापा की बेटी रहोगी? वाओ बेटा, इतना दिमाग कहाँ से आया बेटा? सॉरी, इसमें दिमाग वाली बात नहीं, तो दिल वाली बात है बेटा। इतना अच्छा दिल कैसे है आपका मेरे बेटे, इतना प्यारा सा दिल। शरीर में से आता है। हैं बेटे? शरीर में से आता है। देख लो, इस छोटी सी बच्ची ने कितना अच्छा मतलब मैसेज दिया है। मैंने इससे वैसे ही पूछा, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, कि बेटा अगर कोई दूसरे पापा है, उनके पास चॉकलेट्स वगैरह है एंड ऑल, और इसने बड़ा अच्छा मुझे रिप्लाई दिया कि नहीं, किसी भी पोजीशन में इसको, किसी भी सर्कमस्टांसिस में इसको कोई और पापा नहीं चाहिए, इसको मैं ही चाहिए हूँ। तो बहुत अच्छा संदेश है कि हर किसी को सुख दुख का साथी होना चाहिए, चाहे सर्कमस्टांसिस कैसे हों भी हों, और ये सर्कमस्टांसिस हमेशा चेंज होते रहते हैं। क्यों बेटा सिद्धि? यस। आज आपने मेरी प्यारी सी बेटी सिद्धि की प्यारी प्यारी बातें सुनी। अभी 3 साल की है बस वो, और आज फादर्स डे भी है। फादर्स डे पर मैं मैसेज देना चाहूँगा कि एक पिता के लिए अपने बच्चों के हंसते खिलते चेहरे सबसे बड़ी कामयाबी होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक पिता हूँ और 2 बेटियाँ हैं मेरी, तो इस बात को पूरी फीलिंग के साथ कह सकता हूँ कि एक पिता अपने बच्चों की पूरी ख्वाहिशें और उनके सपनों का बोझ अपने कंधों पर उठा कर रखता है, लेकिन फिर भी कई बार पिता को इस बात का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, बस इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कील पूरी तस्वीर का बोझ उठा कर रखती है, लेकिन कोई भी कील के बारे में नहीं बात करता, सब तस्वीर की तारीफ करते हैं। सेम जैसे बच्चों की कामयाबी में पिता का बहुत हाथ होता है, लेकिन पिता के बारे में कोई बात ही नहीं करता, बस पिता भी उस कील के समान है। थैंक यू वेरी मच।